हम स्टडी कर रहे थे, एक क्वेश्चन आता है एग्जामों में, मैंने क्या बताया, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, देन टू बी कंटिन्यू। सबसे पहले मैंने बताया विटामिन की खोज किसने की है, फंग ने की है। विटामिन नाम किसने दिया है, फंग ने दिया है। विटामिन का जनक किसको माना जाता है, फंग को। क्लियर? फिर मैंने कहा विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन बोलो सूक्ष्म मात्रा में हमारी बॉडी में एवरीडे हमें जरूरत होती है, क्योंकि विटामिन का संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता, किसको छोड़कर विटामिन डी का, क्योंकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि विटामिन का वर्गीकरण, एक होता है वसा विलेय विटामिन, एक होता है जल विलेय। वसा विलेय विटामिन के एग्जाम्पल होता है ए डी ई के, और जल विलेय के होते हैं बी और सी। क्लियर? फिर मैंने कहा कि बोलो दो कैटेगरी पढ़नी है, पहले फैट सोलेबल पढ़ना है और फिर वाटर सोलेबल पढ़ना है। फैट सोलेबल बोलो ए डी ई के, एक सेगमेंट कल पढ़ा था, एक आज पढ़ा रहा हूँ। बोलो पढ़ने का तरीका क्या था, हर विटामिन की दो बातें हमेशा पता होनी चाहिए, एक उसका रासायनिक नाम, केमिकल नाम। क्लियर? केमिकल नाम का मतलब क्या होता है, स्कूल का नाम। क्लियर? और दूसरा क्या, उसकी कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी डिजीज, और उसका कोई स्पेशल सोर्स है, कोई और नाम है, वो सारी बातें अपन कर रहे थे। विटामिन ए डी ई के मैंने आपको पढ़ा दिया, आज बी कॉम्प्लेक्स और सी पढ़ा रहा हूँ। फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, इतने सारे विटामिन के केमिकल नाम भूल जाते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, मतलब दो ट्रिक बताऊँगा, सारे केमिकल नाम हमेशा याद रहेंगे। क्लियर? तो अब हमारा सेकंड सेगमेंट क्या चालू हो रहा है, बोलो। मैंने कहा जल विलेय विटामिन, ठीक है, वाटर सोलेबल विटामिन आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वाटर सोलेबल विटामिन, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा वन बाय वन करके पढ़ते हैं। मैंने कहा कि एक होता है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक होता है विटामिन सी, ठीक है। तो एक तो क्या होता है विटामिन 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 बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बात समझ में। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बोलो विटामिन बी वन आता है, बी टू आता है, बी थ्री आता है, बी फाइव आता है, बी सिक्स आता है, बी सेवन आता है, बी नाइन आता है और बी 12 आता है। क्लियर? और इनके केमिकल नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग हमें पढ़ने हैं, तो क्यों ना हम इन सब का एक चार्ट ही बना लेते हैं। देखो कैसे मैंने लिखा यहाँ पर नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोलो मैंने कहा बोलो केमिकल नेम, ठीक है, यहाँ पर क्या बता दूँ, केमिकल नेम, ओके। यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, बोलो डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज, बोलो बात समझ में आए। और यहाँ पर कोई स्पेशल नॉट अगर उससे रिलेटेड है तो, क्लियर, ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा यहाँ, तो विटामिन का नाम, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बोलो रासायनिक नाम, क्लियर, ओके। और यहाँ पर क्या है, बोलो कमी से होने वाला रोग, क्लियर। और अगर किसी के कोई सोर्स या कोई फैक्ट या कोई बात है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर, इधर ध्यान देना। सबसे पहले मैंने लिखा नंबर वन, बात समझना, मैंने लिखा यहाँ पर पहला विटामिन, बोलो विटामिन बी वन, क्लियर। विटामिन बी वन का बोलो केमिकल नाम क्या होता है, थाइमीन, क्या होता है, थाइमीन, क्लियर, बोलो थाइमीन, बात समझ में आई। अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है, बचपन से पढ़ा है बेरी बेरी रोग, कौन सा रोग होता है, बोलो बेरी बेरी डिजीज। और बेरी बेरी डिजीज में होता क्या है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यहाँ लिख दूँ, बोलो यहाँ मैंने लिख दिया लक्षण, ठीक है, भूख नहीं लगना, क्लियर। अब ये भूख नहीं लगने के बहुत सारे कारण होता है, बोलो किसी को टीबी हो जाती है तो भी भूख मर जाती है, टाइफाइड हो जाता है तो भी भूख मर जाती है। लाइफ में कभी किसी को टाइफाइड हुआ, आपने देखा इंसान 10 15 20 दिन में एकदम दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि उसकी भूख की इच्छा मर जाती है। ऐसे ही बोलो बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से भी, यानी किसी को भूख नहीं लग रही है, तुरंत ये नहीं सोचना कि विटामिन बी वन की कमी है, बोलो बात समझ, क्योंकि ये तो एक लक्षण है जो विटामिन बी वन की बेरी बेरी रोग में मिलता है और बहुत सारी चीज़ों में भी मिलता है, क्लियर, भूख नहीं लगना, क्लियर। बहुत सी बार देखा होगा कोई किसी के ख्याल में खो जाता है तो भी भूख नहीं लगती है, बोलो मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या बताया अभी आपको, समझे नहीं समझे, बोलो
तो भूख नहीं लगने का मतलब बेरी बेरी नहीं है, लेकिन बेरी बेरी का मतलब भूख नहीं लगना है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, पहला समझ में आया बोलो आपको। ओके, नंबर टू। अच्छा, ये जितने भी बता रहा हूँ वो किसके बता रहा हूँ? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। मैंने कहा विटामिन बी टू, क्लियर? क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, ठीक है? राइबोफ्लेविन, क्या बोला मैंने? राइबोफ्लेविन, ठीक है? राइबोफ्लेविन, ठीक है? आपके दिमाग में सर आपको फटाक फटाक सबके केमिकल नाम कैसे याद है, क्लियर? अभी आपको भी याद मैं करवा दूंगा, बात समझ ना, क्योंकि यही ऐसी चीज है जो ज्यादातर स्टूडेंट भूल जाते हैं। अच्छा, विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है? चिलोसिस रोग। क्या होता है? चिलोसिस रोग, क्लियर? क्या होता है इस चिलोसिस डिजीज के अंदर? चिलोसिस डिजीज, क्लियर? बोलो चिलोसिस डिजीज। ये क्या लिखा था मैंने? बोलो बेरी बेरी, क्लियर? अच्छा, चिलोसिस रोग क्या होता है? अक्सर आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ये जो होठ होते हैं, क्लियर, होठों का फटना नहीं, ये होठों के दोनों तरफ क्या होते हैं? कट लगते रहते हैं, यहाँ 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 यहाँ। बोलो बस, इसका मतलब उसको किस विटामिन की कमी है? बोलो विटामिन बी टू को। इसको किस नाम से बोला जाता है? चिलोसिस रोग, बात समझ में है? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा यहाँ कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, ठीक है? फिर मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन बी थ्री, क्या नाम होता है? नियासीन, ठीक है? क्या होता है? बोलो नियासीन। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, बात समझ में? इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग। क्या होता है? पेलाग्रा रोग, क्लियर? मैंने कहा पेलाग्रा डिजीज होती है, क्लियर? क्या होता है पेलाग्रा? एक्चुअली क्या देखा गया है, जो लोग मक्का ज्यादा खाते हैं, मक्का ज्यादा खाते हैं मतलब सुबह मक्का, शाम को मक्का, सप्ताह भर मक्का, महीना भर मक्का, सालों साल मक्का, तो उसमें किसकी कमी हो जाती? विटामिन बी थ्री की। और ऐसे व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग को बोलो 2D, आपसे मैं कह रहा हूँ सॉरी 3D या 4D रोग, ठीक है, भी कहते हैं। बोलो रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सुनो, एक्चुअली क्या होता है कि पेलाग्रा किसी को हुआ, पहले बताओ पेलाग्रा कैसे होगा? विटामिन बी थ्री की कमी से। विटामिन बी थ्री की कमी कैसे होगी? लंबे समय तक मक्का खाने से। बोलो बात समझ में? अच्छा, आप ये तो जानते हो ये मक्का है, बाजरा है, ये ज़्यादातर खाते हैं तो सुस्तता हो जाती है और ड्राइनेस होती कि नहीं होती, बोलो, क्लियर? तो होता क्या है कि पेलाग्रा रोग के अंदर व्यक्ति को पहले पहले बोलो डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है पेला डी, क्लियर? डर्मेटाइटिस का मतलब होता है शरीर की जो त्वचा होती है वो बोलो रुखी रुखी हो जाती है और पपड़ियों के रूप में उतरने लगती है। नंबर टू, फिर उसको फिर वो भी बंद ही नहीं कर रहा, खाए जा रहा, पेलाग्रा रोग में क्या होगा? फिर लक्षण आएगा, डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब समझते हो? लूज मोशन, क्लियर? फिर भी वो बंद ही नहीं कर रहा है, फिर और खाया जा रहा है, विटामिन डी थ्री की कमी और हो गई, फिर उसको क्या होता है? डिमनेंशिया, बोलो भूलने लगता है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, बोलो बात समझ? इसको क्या बोलते हैं? डिमनेंशिया। 3D समझ में? पहला डी का मतलब क्या है? डर्मेटाइटिस। दूसरा डी का मतलब क्या? डायरिया। तीसरा डी का मतलब क्या? डिमनेंशिया। और फिर लास्ट में डेथ भी हो जाती है। तो कुछ तो डेथ को काउंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए 3D और 4D रोग। बोलो बात समझ में? तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से 3D या 4D रोग होता है, तो बोलो विटामिन B3, क्योंकि 3D 4D रोग किसका नाम है? बोलो पेलाग्रा का नाम है, क्लियर? अच्छा, ये तीन समझ में आया बोलो आपको? उसके बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, या एक बार ये तीन नोट करो फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं, ठीक है? आपकी तो कहानी चलती रहेगी, बोलो इसे। ओके,
केमिकल नेम मैं आपको सारे अभी याद करवा दूंगा ट्रिक से, ठीक है? एक बार पहले अपन नोट कर रहे हैं, आगे बढ़े। तीन किए बोलो, अपने को तो ये सारे विटामिन, ये सारे के सारे क्या आते हैं बोलो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, क्लियर? तो आपको आगे बढ़ा रहा हूं मैं कहानी, इतना नोट किया आपने बोलो। आगे बढ़ो कहानी को बोलो, ठीक है? मैंने कहा नंबर फोर्थ क्या, विटामिन बी फाइव, ठीक है? विटामिन बी फाइव का नाम क्या होता है, पेंटाथिनिक, ठीक है, अम्ल। क्या नाम होता है बोलो? मैंने कहा पेंटाथिनिक, ठीक है, एसिड। ओके, अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है, वही डर्मेटाइटिस, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाएगा जिसकी कमी से कोई यूनिक रोग होता हो। बोलो बात समझ में? तो पेलाग्रा इंपॉर्टेंट है, चिलोसिस इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर? केमिकल नेम तो सबके इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा बोलो क्या आता है, विटामिन बी सिक्स, ठीक है? क्या केमिकल नेम होता है, पाइरोडॉक्सिन। क्या होता है बोलो, पाइरोडॉक्सिन, ठीक है? बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो पाइरोडॉक्सिन, ठीक है, पाइरोडॉक्सिन। अच्छा, उसके बाद इसकी कमी से क्या होता है, नर्वस रोग, ठीक है? मतलब आपसे मैं कहूँ चक्कर आना, ठीक है, बोलो आपसे उल्टी, जी मच लाना, क्लियर, एटसेट्रा। इसका मतलब हुआ ये भी बहुत सारों में मिलता है। अरे बोलो बात समझ ना, चक्कर आना, उल्टी होना, जी मचलाना, और भी दूसरों का लक्षण होता है। इसका मतलब हुआ इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलो बात समझ में? उसके बाद आ जाता हूँ विटामिन बी सेवन, क्लियर? बी सेवन का नाम क्या होता है, बायोटीन। क्या होता है बोलो, बायोटीन, क्लियर? और इसकी कमी से होता है, मैंने कहा लॉस ऑफ हेयर, क्लियर? बोलो इसका मतलब, इसकी कमी से बाल गिरते हैं, इसका मतलब इसीलिए बोलो जिनके बाल गिरते हैं उनको डॉक्टर बायोटीन की टेबलेट देते हैं। इसीलिए इस विटामिन का दूसरा नाम विटामिन एच भी होता है। एच का मतलब क्या हो गया, हेयर हो गया। बोलो बात समझ में? उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर, मैंने कहा विटामिन बी नाइन, क्लियर? इसका नाम होता है फोलिक एसिड। क्या होता है, फोलिक अम्ल, क्लियर? क्या लिखा बोलो, फोलिक एसिड, ठीक है? और इसकी कमी से क्या होता है, मैंने कहा मैक्रोसाइटिक एनीमिया, क्लियर? क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आपको सर ये क्या होता है, बताओ जरा, बोलो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, क्लियर? समझना मेरी बात को, मैक्रोसाइटिक एनीमिया को बता रहा हूँ, क्लियर? इधर देखो, मैंने कहा ये कौन है, आरबीसी, क्लियर? आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी होती है, कभी ना कभी लाइफ में पढ़ा होगा, 7.5 माइक्रोन। बोलो आरबीसी जो होती है उसकी नॉर्मल साइज कितनी होती है, आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी होती है, लाइफ में कभी 7.5 माइक्रोन सुना नहीं सुना? अरे बोलो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, लाइफ में कभी ना कभी तो आपने सुना होगा कि आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी होती है, 7.5 माइक्रोन, क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी के अंदर आयरन की कमी हो जाए, किसकी डेफिशिएंसी होगी, आयरन की, तो आरबीसी छोटी सी हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्लियर? अच्छा, जब छोटी हो जाती है, साइज में छोटी हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं बोलो, वहाँ बोला मैक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, क्लियर? बोलो ये क्या है, बोलो माइक्रो। बोलो आप तो कहोगे सर आप तो मैक्रो का बता रहे थे, तो मैं दोनों का बता रहा हूँ। अगर मैंने कहा फोलिक एसिड, ठीक है, की कमी हो जाएगी, की कमी होगी तो आरबीसी की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अच्छा, बड़ी हो जाएगी तो वर्ड क्या यूज करूंगा, मैक्रोसाइटिक। मेरी बात समझ में? तो आज एक राज की बात पता चली क्या, कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्यों उसको डॉक्टर आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट चलाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ भी हो जाए चलेगा, खून की कमी एनीमिया नहीं होना चाहिए, क्लियर? तो अगर आयरन की कमी होगी तो कौन सा एनीमिया होगा बोलो,
माइक्रोसाइटिक, और फोलिक एसिड की कमी होगी तो कौन सा चल, बोलो कौन सा हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक। और अगर आयरन भी बराबर देते रहेंगे बाहर से, फोलिक एसिड भी देते रहेंगे, तो दोनों एनीमिया ही नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। अच्छा मुझे बताओ, मुझे कौन सा बताना था आपको, मैक्रोसाइटिक, साथ के साथ मैंने माइक्रो मैक्रो दोनों बता दिए, बोलो बात समझ में आई। अच्छा अब अपने को विटामिन में कौन सा, विटामिन बी में कौन सा बचा है, विटामिन B12, क्लियर, बोलो ये पहला नोट कर लो। पहले बताओ ये जो मैंने बताया समझ में आया, बोलो आपको, ठीक है। दिमाग में आता सर, पहले जो वंस अपॉन ए टाइम 20 साल 25 साल 30 साल पहले तो आयरन की फोलिक एसिड की टेबलेटें तो लेती नहीं थी, बोलो लेडीज, बोलो बात से प्रेगनेंसी में, तो पहले लेडीज की डाइट अच्छी हुआ करती थी, खूब खाती थी, आजकल सोच समझ के खाती है इसलिए टेबलेट लेनी पड़ती है, बात समझ ना। हो गया नोट, बोलो। हुआ नोट, बोलो। ओके ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कहा क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, नंबर 8 कौन सा विटामिन, बोलो विटामिन, बोलो विटामिन B12। सबसे ज्यादा एग्जामों में यही पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम क्या होता है, साइनो
कोबालमीन, क्या होता है बोलो, साइनो कोबालमीन, ठीक है, ये तो होता है इसका नाम साइनो, मैंने कहा कोबालमीन, ठीक है। अच्छा साइनो कोबालमीन, इसकी कमी से क्या होता है, हम कहेंगे परनीशियस, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। क्या होता है इसकी कमी से, परनीशियस, ठीक है, एनीमिया। अच्छा इसमें क्या होता है लक्षण, बोलो, मैंने कहा आरबीसी का परिपक्वन, ठीक है, परिपक्वन मतलब मैच्यूरेशन, ठीक है, बोलो नहीं नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, बोलो कोबाल्ट धातु, ठीक है, कोबाल्ट मेटल धातु, बोलो उपस्थित, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इसलिए नाम ही क्या है, साइनो कोबालमीन। क्लियर, बात समझ में आए, नोट करोगे। हो गया नोट, बोलो सारा चार्ट किसका बताया, बोलो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी है उन सब का केमिकल नेम अभी मैं आपको याद करवाऊंगा। ओके हुआ, नाउ नंबर टू कौन, विटामिन सी, बोलो वाटर सोलेबल में कौन आएगा, विटामिन, ठीक है, मैंने कहा विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी के लिए पहली बात क्या, रासायनिक नाम, बोलो रासायनिक नाम, बोलो क्या होता है आपको, हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अच्छा दूसरा, इसकी कमी से होने वाला रोग, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज, क्या होता है, स्कर्वी रोग, पॉपुलर है, अरे है कि नहीं है पॉपुलर, क्या होता है इस रोग में, लक्षण क्या होता है, बोलो आपसे मेरे को मसूड़ों से, बोलो खून आना, ठीक है, ब्लीडिंग इन गम्स, बोलो आना, ठीक है, ब्लीडिंग इन गम्स, ठीक है, ब्लीडिंग आपसे मैं कह रहा हूँ इन गम्स, ओके, मसूड़ों से खून आना, बोलो जब भी कोई ब्रश करेगा मसूड़ों से खून आ रहा है, इसका मतलब विटामिन सी की कमी है। और बातें बताऊं तो मैंने कहा विटामिन सी, ठीक है, बोलो को, बोलो एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस विटामिन, ठीक है, आपको पता है कोविड के टाइम में खूब लोगों को विटामिन सी की गोलियां चबाने को दी है, क्योंकि एंटीवायरस विटामिन होता, अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि प्रतिवायरल विटामिन, एंटी, बोलो वायरस विटामिन कौन होता है, बोलो विटामिन सी होता है, क्लियर, तो मैंने कहा विटामिन सी को एंटीवायरस विटामिन, समझोगे बोलो, या ऐसे लिखो प्रति वायरस, ठीक है, विटामिन, ठीक है, विटामिन भी बोलो आपसे कहा जाता है। और बोलूं तो इधर देखो, मैंने कहा विटामिन सी, बोलो के अच्छे स्रोत, ठीक है, अच्छे स्रोत, मैंने कहा आंवला, अरे बोलो नींबू,
और संतरा, ठीक है, एटसेट्रा होते हैं, ठीक है, आंवला, लेमन, ऑरेंज, बात समझ में? खूब लोगों ने कब खाए? कोविड के टाइम में, ठीक है। अच्छा और क्या बता रहा हूँ, विटामिन सी, ठीक है, को एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, बोलो, एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब विटामिन सी जो ज़्यादा खाता है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। अब राज की बात समझ में आई, इसीलिए बूढ़े लोग आंवला ज़्यादा खाते हैं। बोलो बात समझ में? आप बूढ़े बुजुर्गों को देखोगे वो क्या ज़्यादा खाते हैं, बोलो, आंवला। आंवला खाने से क्या होगा, उनका इम्यून अच्छा रहेगा, बोलो, आपसे जल्दी से झुरिया नहीं पड़ेगी, और बोलो आपसे मैं करूँ वायरस वायरस भी नहीं पास में आएंगे। क्लियर? ये जो मैंने आपको बातें बताई समझ में आए, बोलो, आपको नोट करोगे? नींबू फायदेमंद होता है नुकसानदायक होता है, बोलो? फायदेमंद होता है, ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझ में? अब आपको मैंने सारे विटामिन सब कुछ पढ़ा दिया है, क्लियर। बोतलो इन्हीं विटामिन के किसी का केमिकल नाम पूछ सकते हैं, केमिकल नाम दे के विटामिन पूछ सकते हैं, इधर विटामिन इधर केमिकल नाम सही जोड़ा मिलाइए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो केमिकल नेम में क्या स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्लियर। तो मैं आपको पहले एक थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको केमिकल नेम याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इतने बड़े हो गए, आपने देखा होगा लड़कियों को टॉफियाँ बहुत पसंद होती है, क्या बोला मैंने आपको, लड़कियों को क्या पसंद होती है, बोलो? अरे कॉलेज लाइफ पढ़ के आयोग नहीं आया, बोलो, मतलब एक टॉफी अगर लड़की को दिखा दो तो उसको बहुत अच्छा लगता है, टॉफी उसको बहुत पसंद होती है, क्लियर। तो एक लड़की होती है जिसका नाम होता निशा, क्या नाम होता है, निशा, जिसको मतलब टॉफी दिखी नहीं वो दौड़ पड़ती है, क्लियर। अब निशा हो गई बड़ी, क्लियर, टॉफियाँ खाती खाती, क्लियर, बोलो, उसकी शादी कर दी घर वालों ने, क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो, आपको पता है जब भी नई नई शादी होती है तो लड़के हैं ना लड़कियों को बहुत अच्छे से रखते हैं, उनको रानी रानी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाद में तो 2-4 साल बाद क्या कहेंगे वो सब आप जानते हो, शुरू शुरुआत में क्या कहते हैं, बोलो, रानी रानी, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब निशा की घर वालों ने क्या कर दी है, शादी कर दी है, क्लियर। इतने में निशा के हस्बैंड का भी एक फ्रेंड की भी शादी हुई, दोनों डिसाइड किया अपन घूमने साथ में चलेंगे, बट निशा ने जिद पकड़ ली, मुझे तो मॉरिशस ही जाना है, कहाँ जाना है, बोलो, मॉरिशस जाना, क्योंकि मुझे पानी बहुत पसंद है, क्लियर, वहां पर बहुत सारे पुल हो
होंगे, बहुत सारे ब्रिज होंगे। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलो वहीं जाना है, क्लियर? तो बोलो माननी पड़ेगी बात, बोलो बात समझ में। उस बेचारे लड़के ने कहा ठीक है फ्रेंड से बात करता हूँ। दोनों ने प्रोग्राम चलाया, कहाँ गए बोलो? मॉरिशस चले गए। कहाँ चले गए? मॉरिशस, क्लियर? अब मॉरिशस पे क्या होता है, बहुत सारे पुल है, पुल समझते हैं बोलो? ब्रिज, क्लियर? जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पुल तो होंगे ही होंगे, बोलो बात समझ में। अब क्या होता, मैं आपको इसी कहानी से दो ट्रिक बता रहा हूँ, देखो बोलो आपको मेरी बात समझना। मैंने कहा ट्रिक नंबर वन, ठीक है, मैंने लिखा रथ पर एक टॉफी। क्या लिखा मैंने बोलो? रथ पर एक टॉफी, ठीक है। क्या लिखा मैंने? रथ पर एक टॉफी, क्लियर। इसमें मैं आपको विटामिन के नाम बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ABCD आपको आती है? अच्छा, ए बोलो, ए के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? सी, सी के बाद क्या आएगा? डी, डी के बाद क्या आएगा बोलो? ई, और फिर मैंने कहा के, बोलो बात समझ में। इधर ध्यान देना, तो मैं पहले आपको ABCDE के केमिकल नाम बता रहा हूँ। अच्छा, बी अगर नहीं बोलूँ तो बी का मतलब क्या होगा? B1, बोलो बात समझ में। तो रथ पर एक टॉफी, इस ट्रिक से क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है बोलो? रेटिनॉल, क्लियर। अच्छा, क्या लिखा मैंने बोलो? रेटिनॉल। अच्छा, फिर मैंने कहा बोलो B1 का क्या होता है? थाइमीन। क्या होता है बोलो? मैंने कहा थाइमीन, समझना मेरी बात को। फिर विटामिन सी का क्या होता है बोलो? अभी बताया मैंने, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एसिड। बात समझ में? क्या बताया बोलो? एस बोलो, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। फिर विटामिन डी का क्या बता रहा हूँ बोलो? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ओके। क्या लिख रहा हूँ बोलो? कैल्सीफेरॉल। अच्छा, विटामिन ई का क्या बता रहा हूँ बोलो? टोकोफेरॉल। क्या बता रहा हूँ बोलो? टोकोफेरॉल, क्लियर, टोकोफेरॉल, ओके, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या बता रहा हूँ बोलो? फाइलोक्यूनॉन, ठीक है, फाइलोक्यूनॉन। बात समझ में आए बोलो? फाइलोक्यूनॉन। अच्छा, पहले बताओ एक बार मैंने आपको किन किन विटामिन का बता दिया? ABCDE, क्लियर। अब दूसरी ट्रिक होगी विटामिन बी के सारे नाम के, बोलो सारे विटामिन वैसे आ जाएंगे, बोलो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, के आ गया, अब बचे कौन से बोलो? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे। तो दूसरी ट्रिक क्या बता रहा हूं बोलो? पहले एक बार ये नोट कर लो, बात समझ में आई मेरी आपको? ठीक है,
हो गया ओके। ये तो मैंने सारे बता दी। अब बताओ दूसरी ट्रिक किसको डेडिकेटेड होगी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 सब के नाम याद करा रहा हूँ। क्लियर? मैंने आपको कहानी बताई थी, उसी कहानी को कनेक्ट कर रहा हूँ। रथ पर एक टॉफी है, बोलो किसको दिख गई? निसारानी को दिख गई। किसको दिख गई? निसारानी को। अब वो टॉफी जो रथ पे है वो एक पुल के उधर है। क्लियर? तो मैंने आपको कहा बचपन से उसको टॉफी का क्या था? बहुत प्यार था। भले मॉरिशस पहुंच गई तो क्या हुआ? बोलो टॉफी देखते तो क्या करेगी? भागेगी। क्लियर? तो उसका जो हस्बैंड है उसके दोस्त को कह के जाता है, देख मेरी निसरानी का ध्यान रखना, वापस इसको सही सलामत भी ले जाना है। बोलो बात समझ में? तो अब क्या होता है कि बोलो वो निसरानी टॉफी रथ पर देखकर पुल पे भागती है तेज। तो आपसे मेरे को आगे की कहानी सुनना। आगे की कहानी क्या है? ट्रिक नंबर टू। क्लियर? ट्रिक नंबर टू क्या है? वो उसका दोस्त उसको पुल पर फास्ट भागते हुए देखते हुए उसके हस्बैंड को आवाज देता है। क्या बोलता है? वो बोलता है तेरी रानी निशा। क्लियर? मैंने आपको क्या बोला कि शुरू शुरू में क्या नाम बोला जाता है आपस में? बोलो तेरी रानी मेरी रानी। बोलो बात समझ में? तेरी रानी निशा। ठीक है? पुल पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बहुत बहुत फास्ट। ठीक है? फास्ट चल रही है। क्या बोला? समझ में आया? कहानी समझ में आया? बोलो तेरी रानी निशा पुल पर बहुत फास्ट चल रही है। अब देखो आपसे मैं कहूँ सारे निकालता हूँ मैं। अच्छा मुझे बताओ पहले ही मैं लिख दूँ ऐसे? पहले विटामिन B1, फिर कौन आएगा B2, फिर कौन आएगा B3, फिर कौन आएगा बोलो? मैंने कहा B5, फिर कौन आएगा बोलो? B6, फिर कौन आएगा बोलो? B7, फिर कौन आएगा बोलो? B9, और फिर कौन आएगा बोलो? B12। मुझे इनके केमिकल नाम बताना है। बोलो आपसे मेरे को, मैंने कहा देखो तेरी से क्या निकालूंगा? थाइमीन। क्लियर? बोलो बात समझ में? क्या निकाला मैंने? थाइमीन। पहले एक बार ध्यान दो फिर नोट करना। क्लियर? अच्छा रानी से क्या होगा बोलो? राइबोफ्लेविन। ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता तो ऑप्शन भी होते हैं, केवल आप कंफ्यूज हो जाते हो कि राइबोफ्लेविन B2 है कि B5 है। बोलो बात समझ में? या क्या है? क्लियर? तो यहाँ पर पता चलेगा कि बोलो तेरी रानी रानी मतलब क्या होगा? B2। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो राइबोफ्लेविन। ठीक है? अच्छा निशा मतलब B3 का नाम क्या होगा? बोलो नियासीन। ठीक है? क्या होगा? बोलो नियासीन। अच्छा पूल मतलब पेंटा थिनिक। बोलो आपसे मैं कहूँ एसिड। ठीक है? क्या बताया? बोलो पेंटा। बोलो पेंटा थिनिक एसिड। ठीक है? अच्छा पूल पर बोलो पाइरोडॉक्सिन। ठीक है? पाइरो पाइरोडॉक्सिन। ठीक है? पाइरो पाइरोडॉक्सिन। ठीक है? अच्छा कोई के सर है ना, मतलब ये भी पेन पे हम कभी भूल गए तो पहले तो ध्यान रखो ये फाइव और पेंटा पता चल रहा है। दूसरी बात मैंने कहा यहाँ आ रहा है पर, यहाँ आ रहा है बोलो पाइरोडॉक्सिन। बोलो बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। अच्छा सेवन मैंने कहा बहुत बहुत से क्या हो जाएगा? बायोटीन। ठीक है? क्या हो जाएगा? बोलो बायोटीन। क्लियर? अच्छा फास्ट, फास्ट से क्या हो जाएगा? बोलो फॉलिक एसिड। क्लियर? बोलो क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। ठीक है? फॉलिक एसिड। अच्छा मैंने कहा चल रही है, बोलो साइनो कोबालमीन। साइनो बोलो कोबालमीन। ठीक है? क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो साइनो कोबालमीन। और ये तो वैसे भी नहीं बोलते हैं। क्लियर? और विटामिन B12 का तो याद ही रहता है। पहले बताओ मैंने आपको जो दोनों ट्रिक की कहानी को मिला के बताया, समझ में आया? क्या याद रखना है? बोलो रथ पर एक टॉफी और तेरी रानी निशा पुल पर बहुत फास्ट चल रही है। क्लियर? अगर मैं कहानी से कनेक्ट करके ट्रिक बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। मेरी बात समझ में आए? ओके। तो हमने सारे विटामिन स्टडी कर लिए और मैंने आपको बोलो देखो नाम, केमिकल नाम तो किताबों में लिखे होते हैं, मेन हम ऑब्जेक्ट में याद कैसे रखेंगे? बोलो बात समझ ना, वो चीज़ है। तो मैंने जो दो ट्रिक बताई समझ में आया? अगर आपके माइंड में सेट हो गया, थोड़ा रफ में प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस कैसे कर लिया समझ में आया? आपने रथ पर एक टॉपिक लिख करके एक बार आपने खुद के निकाल के देखा, भाई वो तो करना ही पड़ेगा ना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ,
मैं आपको याद करा सकता हूँ, उस पर वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर वर्क कर लिया तो परमानेंट हो जाएगा, क्लियर। तो रथ पर एक टोपी, बोलो तेरी रानी निशा, तेरी रानी निशा, तेरी रानी निशा फूल पर बहुत फास्ट चल रही है, क्लियर। तो विटामिन समझ में आया, बोलो आपको। ओके।